हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवैयाँ की खीर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सेवैयाँ की खीर की रेसिपी को। तो मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है, एक बड़े कटोरी सेवैयाँ ली है, बारीक कटे हुए बादाम और काजू लिया है, किशमिश लिया है, आप आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एक बड़ी कटोरी शक्कर लिया है, बारीक पिसी हुई इलायची ली है, एक बड़े चम्मच घी लिया है। तो चलिए बनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेवैयाँ को रोस्ट करेंगे। उसके लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम घी डालेंगे, सेवैयाँ डाल देंगे, और मिक्स कर लेंगे। हमें सेवैयाँ को कलर चेंज होने तक भुनना है, जब तक कि सेवैयों का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम सेवैयों को भुनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। ये हमारी सेवैयाँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम सेवैयाँ को प्लेट में निकाल लेंगे और इसी गैस पर दूध बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। हम दूध में एक उबाल आने देंगे। तो ये हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम सेवैयाँ डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और मिक्स कर लेंगे। अब हम किशमिश डालेंगे। बादाम डालेंगे। काजू डालेंगे। शक्कर डालेंगे। शक्कर को आप आपकी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें खीर को तब तक पकाना है जब तक कि हमारी सेवैयाँ फूल नहीं जाती। बीच बीच में हम ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे तले में लगे ना। ये हमारी सेवैयाँ भी अच्छे से फूल गई है। हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम खीर को बाउल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी सेवैयाँ की खीर बनकर बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी बाकी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।